हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमएन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रीजनल एनालिसिस के चैप्टर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चैप्टर पर बेस्ड है। तो एमएन टेस्ट का स्टेटमेंट क्या कहता है? लेट हमारे पास कोई सीक्वेंस है fn बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i। इसके जो फंक्शन किसी इंटरवल में डिफाइन कर रहे हैं, लेट कि जो हमारा फंक्शन है fnx लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या दे रहा है, fx दे रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। अब हमारे पास क्या होगा, जो सेट होगा mn वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा मॉडुलस fnx माइनस fx का, और सच दैट ये जो x बिलोंग करेगा वो इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो क्या होता है, देन हमारे पास जो सीक्वेंस है fn वो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली तभी होती है f में इफ एंड ओनली इफ mn टेंस करे जीरो की ओर जब n टेंस करेगा इन्फिनिटी की ओर, तभी यह और तभी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो सकती है। इफ एंड ओनली इफ का केस है, यानी कि आपको इसे दो वे में प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की, नेसेसरी पार्ट की। तो हमें नेसेसरी पार्ट में क्या करना है, हमें ये लेके चलना होगा और इसको प्रूफ करके दिखाना होगा। ठीक है, हम लेते हैं लेट जो हमारा सीक्वेंस है fn है वो कन्वर्जेंस है यूनिफॉर्मली टू f ऑन i में। ये हम मान लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। तो क्या होगा, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है तो वहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर m बिलोंग करेगा जो फ्री होगा x से, यानी कि हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास क्या मिल जाएगा, मॉडुलस fnx माइनस fx की जो वैल्यू होगी वो लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर एवरी, ये जो n होगी वो m से बड़ी या फिर इसकी इक्वल होगी फॉर ऑल x जो बिलोंग करेगा वो इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक हो गया, लेकिन हमें ये दे रखा है कि जो mn है वो ये चीज़ है, mn जो है वो सुप्रीमम है मॉडुलस fnx माइनस fx का, और ये जो x बिलोंग कर रहे हैं वो इंटरवल में कर रहे हैं, लेकिन fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन है और लेस देन भी है और यहाँ इक्वल का भी साइन है, तो हमें क्या मिलेगा कि जो mn होगा वो लेस देन इक्वल किसके होगा, एप्सिलॉन के होगा। सो बाय आइडियल रिजल्ट क्या कहती है, जब ऐसे कंडीशन फॉलो होती है ना, तो हमारा mn टेंस करता है जीरो की ओर, कब, जब हमारा n टेंस करता है इन्फिनिटी की ओर। तो ये तो हमारा नेसेसरी पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं कन्वर्सली, अब आपको उसका उल्टा लेना है, अब आपको ये कंडीशन लेके चलनी है और इसको शो करना है। चलिए ठीक है, हम ये बोलते हैं कि जो हमारा mn है वो टेंस कर रहा है जीरो की ओर, कब, जब n टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की ओर। अगर ऐसा है तो हमारे पास एक एप्सिलॉन होगा जो कि पॉजिटिव होगी, जीरो से बड़ी होगी, तो हमारे पास देयर एग्जिस्ट m बिलोंग करेगा n के अंदर, उसके अंतर्गत हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा mn है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा, फॉर एवरी n जो होगी वो m से छोटी और m से बड़ी या फिर उसकी इक्वल होगी। ओके, लेकिन हमारे पास क्या है कि जो हमारा mn दे रखा है वो सुप्रीमम है मॉडुलस fnx माइनस fx का, और यहाँ पर जो x बिलोंग कर रहा है वो इंटरवल में कर रहा है। ठीक, यानी कि देखिए हमारा जो mn है वो लेस देन किससे है, एप्सिलॉन से है, यानी कि जो हमारा fnx माइनस fx का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन की हो जाएगा, फॉर एवरी n जो होगा वो m से बड़ी होगी और वो x बिलोंग करेगा i में। तो ये तो हमारी आइडियल कंडीशन को होल्ड कर रहा है ना, ये हमारी आइडियल कंडीशन को होल्ड कर रहा है, और आइडियल कंडीशन को होल्ड कर रहा है, और ये किसकी आइडियल कंडीशन होती है, ये सीक्वेंस जब हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होता है उसकी आइडियल कंडीशन को होल्ड करता है। तो आप बोल देंगे कि ये जो हमारा fn सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंस हो रहा है f टू ऑन i में, यानी कि फंक्शन ऑन इंटरवल में। जो आपको प्रूफ करना था वो हमने मिलकर आसानी से कर लिए हैं। तो आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।